हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी न्यू रेसिपी कि हम आज आपके लिए क्या लाए हैं। चलते हैं किचन की तरफ। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। आज ये बनाएंगे, देखिए, मैगी टोस्ट या मैगी ब्रेड पकौड़ा। तो देखिए चलिए कैसे बनाते हैं। तो आप लोग देखिए, हमारा अगर पसंद आएगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। एकदम नई ट्रिक है, कहीं भी देखी हुई नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज, देखिए हम क्या रेसिपी बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो भी रेसिपी बनाएंगे ना, वो बिल्कुल कमाल करने वाली है, खासतौर से आपके बच्चों के लिए। ये हमारी फ्लेम हो चुकी है। ये हमने दो चुटकी जीरा लिया हुआ है, तो वो डाला है भूनने के। अब हमने प्याज डाला अपना, ठीक है, उसको फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का करना है, हमें भूनना है। अब इसमें एक टमाटर हमने रखा था ग्राइंड करके, दरदरा वो डालेंगे, ठीक। इनको भी आपस में हम पका लेंगे। देखिए आज हम ज़्यादा बातें नहीं। आप एक बात और, इसमें हम ब्रेडों का यूज करेंगे। ये देखिए, तो आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बट जब तक आप पूरी रेसिपी नहीं देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बना रहे हैं। ये देखिए हमारा हो गया है। अब इसमें हमने एक 5 रुपये वाला मैगी का पैकेट लिया है, वो डालेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है, बस हमको इतना पानी ऐड करना है इसमें जितने से हमारी मैगी अच्छे से बन जाए। तो देखिए हमने सिर्फ 1 कप पानी ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। ये देखिए इसमें मैगी में मसाला जो निकलता है वो भी खोल के डाल देंगे। ये देखिए स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मिर्च वगैरह हम यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मैगी नीचे चिपक जाए, क्योंकि हमने पानी कम ऐड किया है, ठीक है। फ्लेम को कम कर देंगे। ये देखिए इसमें आप पास अगर धनिया हो तो धनिया डाल दीजिए, हम पालक डाल रहे हैं। आप पालक डालना चाहें या कोई भी सब्जी ऐड करना चाहें, आप आराम से ऐड कर दें, क्योंकि बच्चे पालक नहीं खाते तो इसमें आसानी से पालक खा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी मैगी लगभग ड्राई हो चुकी है। अब इसको फ्लेम को हम लगभग बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए पूरी बन के तैयार है। अब इसको दूसरे बर्तन में कर लेंगे। ये देखिए हमारी मैगी हमने दूसरे बर्तन में निकाली। अब इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा थिकनेस और आ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी सूख जाएगा, ठीक है। तब तक हम बैटर बना लेते हैं। ये देखिए हमारा आधा कटोरी बेसन है, ठीक है। अब इसमें पानी डाल के हम इसको कम घोल बनाएंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से घोल बना लेंगे। ये देखिए 1 गिलास पानी लिया था, आधी गिलास लगा है पानी हमारा। और बैटर ऐसे इतना पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं, उसके बाद इसमें सारे इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। ये देखिए इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये देखिए 2 पिंच हम डालेंगे हींग अपनी। ये देखिए 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। ये देखिए आधी चम्मच वही मसाला है जो हमने इंस्टेंट चटनी मसाला बनाया था, इसमें सारे इंग्रेडिएंट हैं। ये देखिए थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसमें भी है, बैटर में भी है, उसमें भी है, इसलिए। अब इसमें डालेंगे ये कटा हुआ पालक, ठीक है, ताकि ये अच्छा लगेगा ऊपर से आने में, ठीक है। अब इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी मैगी ठंडी हो चुकी है, और ये हमने ऐसी ब्रेड की 8 स्लाइस ली हैं, ठीक है। ये देखिए अब इस तरह से हम इस पर अपनी मैगी रखेंगे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं हम ऐड करेंगे, सूखा रखेंगे, क्योंकि हमारी मैगी में थोड़ा बहुत तो पानी रह ही जाता है कितना भी करो। तो ये अपनी 4 स्लाइड पर हम मैगी रख लेंगे, ठीक है। ये देखिए आप आराम से अब ये दूसरे स्लाइस को ऐसे ऊपर से चिपका देंगे, ठीक है, इसी में कोट कर देंगे। ये देखिए ब्रेड बड़ी है तो आप तिकोना काट भी सकते हैं, बट हमने नहीं काटा, हमारी ब्रेड छोटी छोटी है। तो ये देखिए बन गई। अब इनको हम साइड में रखेंगे। 2 से 3 स्पून हमने ऑयल डाल लिया है, ठीक है। अब इसको हम गरम करेंगे। देखिए हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, इसलिए इसका होना जरूरी है। ये देखिए अब इसको हम ऐसे इसमें करेंगे रब, टिप करेंगे, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद में हम इसमें ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसे आप तवा पर भी बना सकते हैं आयरन के, बट हमारा जो तवा था वो छोटा था, इसलिए हमने इसको इसमें नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए आप इसकी लेयर अगर मोटी करना चाहते हैं
तो आप इसके लिए मोटी भी कर सकते हैं। बैटर को मोटा रखिए थोड़ा सा, हमने पतला कर रखा है। अब देखिए इसको सिकने देंगे ऐसे ही धीमी आंच पर। देखिए जब तक वो सिक रहा है तब तक इसमें हम थोड़ा सा मोटा आपको बना के दिखाते हैं, मोटी लेयर का, ठीक है। तो इसमें दो चम्मच हमने और डाल लिया, दो स्पून और डाला है बेसन। फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे मिक्सर से। ये देखिए आपको दिख रहा है, अब इसको हम पलट देंगे धीरे। ये देखिए, ठीक है, इसको ऐसे हम क्रिस्पी, सबसे कम ऑयल में बनने वाली ये ब्रेड पकौड़े हैं, अच्छे सेकेंगे। ये देखिए इसको अच्छा सा ऐसे क्रिस्पी सेक लेंगे इसको। देखिए इसको अच्छे से आराम से सेकना, सबसे कम ऑयल में बनने वाला ये ब्रेड पकौड़ा है और बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। इसको आप ब्रेड पकौड़ा भी बोल सकते हैं, इसको मैगी ब्रेड पकौड़ा भी बोल सकते हैं। अगर टोस्ट के रूप में खाना है तो बिल्कुल कुछ ऑयल लगा के आप तवे पे सेक सकते हैं, तो वो बन जाएगा। ये देखिए सिक्के तैयार हो चुके हैं, इनको अब निकाल देंगे अलग प्लेट में, ठीक है। हमारे सारे टोस्ट बन के तैयार हैं, ठीक है। और अब इनको हमने फिर से कढ़ाई में रख दिया जैसे कि हमारे गर्म बने रहें। अब हम अपनी इंस्टेंट चटनी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको सब तरफ से दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये हमारे बेसन के हैं सारे, और ये वाला जो है ये बिना ऑयल का ऐसे ही डिप किया हुआ है। अभी इनका हम क्रश बनाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इंस्टेंट चटनी बनाते हैं। ये देखिए 3 से 4 चम्मच हमने पानी ले लिया है, स्पून वाटर। अब इसमें हम 1 स्पून डालेंगे अपना बैटर, थोड़ा और डालेंगे, ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है, सेकंड के लिए, लगभग कुछ सेकंडों के लिए समझ लीजिए। इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं। ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए, बस ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा आंच दिखानी है इसको। ये देखिए हमारी चटनी बस हमने ऑफ कर दी। ये देखिए हमारी चटनी बनके रेडी है। देखिए 2 मिनट भी नहीं लगा है, कुछ सेकेंड लगे हैं, आपने खुद देखा कि आपके सामने हमने चटनी बनाई। ये देखिए अब हमारी चटनी बनके रेडी है। आप इतना गाढ़ी खाना चाहते हैं तो इतना गाढ़ी खाइए, वरना इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं इसमें। ये देखिए थोड़ा सा पानी हमने उबाल लिया है, बॉइल कर लिया। अब इसमें अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें लेमन डाल लीजिए। हम खट्टा नहीं पसंद करते हैं, इस वजह से लेमन नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारी, हमको ऐसी अच्छी लगती है चटनी, ठीक है। तो ये देखिए कितनी टेस्टी, कितनी चटनी, झटपट इंस्टेंट चटनी बनके रेडी है। तो इस चटनी को देखने के लिए पहले हमारा इसका मसाला देखिए, ड्राई चटनी बनाइए, फिर जब इच्छा आए तब ये चटनी बना के खा सकते हैं आप। ओके चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए ये देखिए हमारे टोस्ट बिल्कुल तैयार हैं, और ये हमारी इंस्टेंट चटनी। आप इसको अगर अंदर लगाना चाहते हैं, मैगी से पहले आप इसको लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। चलिए अब इनको हम कट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी फीलिंग्स आई है भर के, आपको दिख रही होगी। तो ये बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।